अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इंस्पिरेशन एकेडमी की जानिब से एक और वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम अपना करेक्टर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, तीन मैंने तरीके इकट्ठे किए हैं, तीन मेथड जिससे आप अपना करेक्टर बिल्ड कर सकते हैं या अपने किरदार को बेहतर कर सकते हैं, बाकिरदार बंदे बन सकते हैं। और ये तीनों जो तरीके होंगे, जिस तरह मैं पिछली वीडियो में भी की थी कि प्रैक्टिकल तरीके, तो ये भी तीनों प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर करेंगे, करेक्टर डेवलप करेंगे। अगर आपने अपने बच्चे का करेक्टर बनाना है या अपने आप को सही करना है, बूस्ट करना है या बाकिरदार बनाना है खुद को, तो कोई मसला नहीं है। किसी भी लेवल पर ये तीन तरीके आजमा के या ये तीन चीज़ें अपनी लाइफ में आप ला के अपने करेक्टर को, किरदार को बेहतर कर सकते हैं। स्पेशली अगर कोई वालिद सुन रहा है तो उनको कहूँगा कि अपने बच्चों में ये तीनों चीज़ें ज़रूर शामिल करें। तो आ जाते हैं पहले तरीके के ऊपर। तो पहला तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आपने हमेशा अच्छी सोबत अपनानी है। आपका माहौल जो है वो बड़ा असर रखता है, बल्कि यूं कहूंगा कि जितने भी इस दुनिया में लोग पाए जाते हैं, स्पेशली बचपन में अगर उनको अच्छा माहौल मिला हो, पॉजिटिव माहौल मिला हो, या हमेशा उनको ये सिखाया गया हो कि आप कामयाबी होगे, वहाँ पे कामयाब बंदे रहते हों, तो ये एक रिसर्च की गई है और उसको रिसर्च के एंड पे जो उनका रिजल्ट निकला, जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, वो यही था कि वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो कामयाब लोगों में रहते हैं। वो ज़्यादा कुछ सीखते हैं जो सिखाने वालों के पास रहते हैं। तो आपने भी सबसे पहला ये काम करना है कि अपने जो दोस्त हैं वो रखने हैं जिस किस्म का आप बंदा बनना चाहते हो। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेटर में रहो, अगर आप दानिशवर बनना चाहते हो तो दानिशवरों के साथ आपके रिश्ते होने चाहिए। इसी तरह अगर उस्ताद बनना चाहते हो तो जो अच्छे उस्ताद हैं उनके पास रहो। अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहते हो, उसको बाकिरदार बनाना चाहते हो, तो घर का माहौल ऐसा बना लो जिस तरह आप अपने बच्चे को चाहते हो। खुद ऐसे हो जाओ, आपका बच्चा खुद ब खुद ऐसा हो जाएगा। अगर उसकी कम्युनिटी अच्छी है, वो दोस्त जिनके साथ वो उठता बैठता है वो ठीक है, तो यकीन करें वो बेहतर ही रहेगा, वो खराब होने वाला नहीं है। ज्यादातर बच्चे घर से ही खराब होते हैं। आप अपने घर में माहौल ऐसा रखें जैसा आपके बच्चे को बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे लोग जो करेक्टर बनाना चाहते हैं, अपने किरदार को बेहतर करना चाहते हैं, चूंकि जो मैंने तीन उसूल या तीन बेसिक प्रिंसिपल बताए थे एजुकेशन के हवाले से, उसमें भी मैंने ये बात की थी कि दूसरे नंबर पे करेक्टर आता है। पहला कॉन्फिडेंस था, वो वीडियो पड़ी भी आप देख सकते हैं। दूसरा करेक्टर था यानी किरदार। तो इसमें भी मैंने ज्यादा लंबी बात नहीं करनी थी, मैंने कहा तीन तरीके। तो पहला तरीका आपको बता दिया, आपने किरदार को बेहतर करना है और ये बहुत जरूरी है, और उसके लिए अच्छी सोबत अपनानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस अल्लाह के वली होते हैं उनसे लोगों को फैज़ मिलता है, यही वजह लोग उनके पास जाते हैं। तो आपने भी ऐसा किरदार बनाना है कि लोग आपके पास आएं, आपसे फैज़ सीखें। अपने बच्चों को भी ऐसा माहौल देना है, खुद को भी ऐसा माहौल देना है, ऐसे लोगों में रहना है, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स है वो ये है कि आपने बांटने की आदत डाल लेनी है, तकसीम करने की आदत डाल लेनी है। तकसीम से मुराद ये नहीं है कि दो रिश्तों को तकसीम कर देना है, आपने बांटना है। पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर पैसे आपके पास नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है। मोहब्बत आपने बांटनी है, लोगों का दर्द बांटना है, खुशियां तकसीम करनी है। लेकिन ये याद रखना है कि जो चीज़ आपके पास होगी वही आप तकसीम कर सकते हो। तो पहली चीज़ जो मैं बता चुका हूँ कि अच्छी सोबत अपनाएंगे तो आप तक वो चीज़ें पहुँचेंगी, उसके बाद आपने वो तकसीम करनी है। अपने बच्चे में अगर किरदार साजी लानी है या अच्छा उसका करेक्टर बनाना है या बाकिरदार बनाना है, तो बच्चे को तकसीम करने की आदत डालें। मुझे वो एदी की बात बड़ी अच्छी तरह याद है कि एदी क्या करते थे, मेरी वालिदा जो हैं मुझे दो रुपए देती थी और कहा करती थी कि एक रुपया खुद पे खर्च करना है, एक दूसरों पे खर्च करना है। ये तकसीम की आदत है। अगर आपके घर में कोई मांगने वाला आ जाता है, थोड़े बहुत पैसे हैं आपके पास, तो अपने बच्चे को दें कि वो उसको दे के आए। आप बेशक उसके साथ चले जाएं लेकिन बच्चे के हाथ से दें, बच्चे को तकसीम करने की आदत पड़ जाएगी। इस दुनिया में हर बंदा जो है लेना चाहता है, हर बंदा कतार में लगा हुआ है कि मुझे खुशियां लोग दे दें, मुझे मोहब्बत दे दें, मुझे पैसे दे दें। लोग भीख भी मांगते हैं, ऐसे लोगों को कोई देता नहीं है। लेकिन जो बंदा तकसीम कर रहा होता है उसके पास आप देखेंगे रश लगा होगा। तो आपने तकसीम करने वाला बनना है, बांटने की आदत डाल लेनी है बचपन से ही। छोटी सी चीज़ है उसको बांट के तकसीम करके इस्तेमाल करें या खाएं। मसलन खाना खाते हैं, किसी को बीच में शामिल कर लें, अपने दोस्त को शामिल कर लें, आप देखेंगे कि आप कितने बाकिरदार हो जाएंगे और दुनिया आपको जानेगी कि यार ये बंदा तकसीम करने वाला है, हर बंदा आपके गुण गाएगा। यूं करेक्टर तो बिल्ड हुआ। तो पहली चीज़ अच्छी सोबत, क्योंकि अच्छी सोबत से लोगों का फैज़ आप तक पहुँचेगा,
दूसरी चीज़ बांटने की आदत, तकसीम करने की आदत, खब दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो आपने बांटनी है। तीसरा तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के चंद एक उसूल बना लेने हैं, जिसे मैं कहूँगा एटीट्यूड। लेकिन उसूल लिखते वक्त, यानी अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स लिखते वक्त, आपने कुरान और सुन्नत से मदद लेनी है और बड़े लोगों की राय ज़रूर लेनी है। अपनी ज़िंदगी के चंद उसूल बना लें। बस एक चीज़ ये आपने याद रखनी है कुरान और सुन्नत से, या मेन चीज़ आपको अगर सिंपल या जनरल वे में बताऊँ तो वो ये कि आपने अपने उसूल बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसमें किसी गरीब का नुकसान ना हो या किसी दूसरे का नुकसान ना करें। अपना एक एटीट्यूड बनाएं। जब आपके उसूल होंगे ना, कुछ ऐसे ज़िंदगी में इंसान के उसूल होते हैं जिस पे इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मसलन सच बोलना, झूठ बोलने वालों का साथ ना देना, जिसने एक बार धोखा दे दिया है उससे सलाम भी ना लेना। इस तरह के चंद इंसान के उसूल होते हैं। जिस तरह आपको पता है ना कि शेर जो है ना वो जंगल का बादशाह कहलाता है, हालांकि उसके पास कोई ख़ास खूबी नहीं है सिवाय इसके कि उसके पास एटीट्यूड है। तो आपका अगर एटीट्यूड होगा, जिसे हम आजकल न्यू वर्ल्ड एक आया हुआ है स्वैग, तो स्वैग सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं होता, इंसान का किरदार स्वैग बनाता है। एटीट्यूड इंसान का जो है वो इंसान का किरदार ही बनाता है। यूं समझ लें कि किरदार का एटीट्यूड जो है एक हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपने एक एटीट्यूड के साथ रहना है, एक एटीट्यूड के साथ जीना है। उसके लिए आपने चंद एक उसूल बनाने हैं, प्रिंसिपल्स बनाने हैं जो आपके अपने होंगे। दुनिया में कुछ भी हैपन हो जाए, आप अपने उसूलों पे पक्के रहेंगे। आपने वो जो उसूल बना लिए हैं, आपने सोच समझ के बनाए थे ना, अब जो भी हो जाता है अपने ज़मीर का आप सौदा नहीं करेंगे। अगर आपके उसूल चेंज होते हैं, अगर आप बात बात पर मुकर जाते हो, अगर आप झूठ बोल देते हो, तो लोग आपको बाकिरदार बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ना ही आपका किरदार बनेगा। जब आप अपनी लाइफ के कुछ उसूल और प्रिंसिपल्स बना लेंगे, कोई बंदा आपके पास आएगा, आप कहेगा कि जो भी हो जाए भूखा मर जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा, रिस्क अल्लाह ने देना है फुलां फुलां। जिस तरह लोग रिश्वत ले लेते हैं मजबूरी के तहत किसी के आगे झुक जाते हैं, नहीं, आपने जो उसूल बना लिया है उस उसूल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना। और यही एक बाउसूल बंदे की निशानी होती है, और बाउसूल बंदा ही हमेशा बाकिरदार होता है। पहला तरीका मैंने आपको कहा कि अच्छी सोबत अपनाना है, दूसरा मैंने कहा कि बांटने की आदत आपने डालनी है, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी के उसूल बनाने हैं, बाउसूल बंदा बन के जीना है, एक एटीट्यूड और स्वैग के साथ जीना है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों तरीके आपको बाकिरदार बनाएंगे, आपके किरदार साजी में आपको हेल्प करेंगे। आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरों तक शेयर करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह नेगेबान।